नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के दौरान हरियाणा के फतेहाबाद में टोहना पुलिस ने आज टोहना के चंडीगढ़ रोड पर स्पा सेंटर पर छापेमारी कर दी है और यहां से मैनेजर और चार युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी से पहले स्पा सेंटर संचालक मौके से फरार हो गया है और पकड़े गए सभी युवक युवतियों को छानबीन के लिए पुलिस थाने ले गए हैं। बताया जा रहा है कि DSP शमशेर सिंह ने बताया कि उन्हें चंडीगढ़ रोड स्थित गोल्डन स्पा सेंटर पर इस गोरख धंधे के चलने की सूचना मिल रही थी। यहां पर बोगस ग्राहक बनाकर भेजा और उसको 500-500 रुपए के दो नोट हस्ताक्षर कर दिए गए थे। बोगस ग्राहक के अंदर जाने के बाद पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई और वहां पर मौजूद मैनेजर के पास से वही दोनों नोट बरामद कर लिए गए हैं। ऐसे में पूरी जानकारी सख्त पाई गई है। वहीं DSP ने बताया कि स्पा सेंटर में चार युवतियों और मैनेजर को हिरासत में लिया है और चारों युवतियां पंजाब की रहने वाली बताई जा रही है, जबकि मैनेजर जिंद जिले का है, जबकि स्पा सेंटर संचालक है जो काकोद का रहने वाला है, जो दबिश देने से फरार हो गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस पूछताछ कर रही है और सभी के खिलाफ अनैतिक गतिविधियों में अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।